इस कागज पर साइन करो ए। और देखता क्या है, कोई तेरी जायदाद नहीं लिखवा रहा मैं अपने नाम पर। ये तेरी मां के अंतिम संस्कार करने के सरकारी कागज हैं, जिन पर तेरा साइन होना चाहिए। और तेरा क्या भरोसा, कल तू उठ खड़ा हुए और कहने लगे कि तेरी बुढ़िया ने सुसाइड नहीं किया, उसका किसी ने मर्डर किया था, और पुलिस पे तहकीकात ना करने का झूठा इल्जाम लगा दे। तेरी बहन बहुत समझदार है, उसने सहन कर दिया है, तू भी कर दे, चल कर दे कर दे। और तेरी जगह कोई और मुजरिम होता तो मैं उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाने देता, मगर तुझे तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तूने टिप्पण सिंह पर हाथ उठाया था, मैं तुझे ये कभी भूलने नहीं दूंगा। चला गोली। नहीं नहीं, झूठ की कीमत चुकाई है मैंने, तेरे इसी झूठ ने मेरी मां को मार डाला, मेरी बहन को उसके ससुराल से बेदखल कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी तेरे इसी झूठ ने। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ भैया, नहीं छोड़ूंगा तुझे, हट जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम इसे मारना चाहते हो तो बेशक मारो, लेकिन इसकी मौत की कीमत तुम्हें अपनी बहन की जान से चुकानी पड़ेगी। अंजलि हमारी माँ की कातिल है, इसकी झूठी गवाही ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो मैं समझना चाहती हूँ, किसने अदालत में झूठी गवाही क्यों दी? उठो, इसके आंसुओं में जरूर कोई सच छुपा है भैया, जिसे ये बता नहीं पा रही है। इसके आंसू भी एक फरेब है, जैसे इसका प्यार एक फरेब था। एक औरत के आंसुओं की कीमत तो एक औरत ही समझ सकती है भैया।
अभी तो इंतकाम ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस दिन तुम्हें अपनी नाइंसाफी का एहसास होगा। चलो भाभी चलो चलो। कहाँ ले जा रही हो इसे? उसी घर में जहाँ माँ ने कभी इसे बहु स्वीकार किया था। जानता हूँ, वो हरामजादा हमारी रमा को उठाकर ले गया है। ये सब जानते हुए भी आप चुप हैं? कल को जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे हम। रणबीर, वो घड़ी हम कभी नहीं आने देंगे। वो घड़ी आ चुकी है, घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी है ब्रिजराज। तूने कहा था ना सती श्राप देती नहीं, तो सुन, कोई भी औरत अपनी मर्जी से सती नहीं होती। उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम जैसे जलील ना मर्द होते हैं। रही बात मेरे श्राप की, वो बहुत जल्दी तेरी आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है। रणवीर, बहुत गरूर है ना तुझे अपनी ताकत पर, लगा ले जितना जोर लगाना है, मगर एक बात याद रखना, एक मजलूम औरत के दिए हुए श्राप के प्रकोप से तू नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। कर दो इस झोपड़े को। इज्जत को तुम नहीं ले जा सकते। तू रोकेगा हमें? हाँ मैं। जानता है हमें रोकने का अंजाम क्या होता है? हाँ मंजूर है मुझे, लेकिन मेरे जीते जी तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। दादे, राजा साहब का रास्ता रोकता है तू? नहीं नहीं नहीं, छोटे सरकार उन्हें रोकिए, छोटे सरकार उन्हें रोकिए। अरे हट, रास्ता रोकता है हमारा, कुत्ते का पिल्ला सारा। नहीं, नहीं नहीं, बड़े सरकार, मैंने आपका जिंदगी भर नमक खाया है, मेरा बेटा नादान है, उन्हें रोकिए सरकार, उन्हें रोकिए। नहीं लाला, हमारे खून से जब बगावत की बू आने लगे हम उसे कभी माफ नहीं करते। नहीं नहीं, और तुम्हारे खून ने भी यही किया। इस हराम जादे को इतना मारो ताकि इसकी आखिरी चीख शहर के हर किवाड़ पर गूंजे, ताकि आज के बाद हमसे बगावत करने की कोई जरूरत ना कर सके। नहीं 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 राजा साहब, नहीं 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 राजा साहब, नहीं बाबू, नहीं नहीं, मत छुओ मुझे, मत छुओ। नहीं बेटे, नहीं। आपको तो खुशी हो गई होगी, मैंने आपके पाप अपना खून बहाकर धो दिए। नहीं बेटे, नहीं नहीं, इस कर्ज को लेकर तेरा बाप जी नहीं सकेगा बेटे,
पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत पापों का बोझ है, अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा बेटे, सहा नहीं जाएगा। बाबू। हाँ बेटे। आप सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो? हाँ बेटे। तू जाओ, चलो जाके अजय को सच्चाई बताओ, उसे कहो रमा रमा बेकसूर है, राजा साहब के आदमी उसे उठाकर ले गए, बताओगे ना बापू? बापू। हाँ हाँ बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, मैं उन पापियों को कभी नहीं छोड़ूंगा बेटे, कभी नहीं छोड़ूंगा।